नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार हरी झंडी दे दी है। मामले को लेकर बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराते हुए मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। लेकिन आखिर इस फैसले के असल मायने क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। मुंबई पुलिस को कोर्ट का आदेश। पहली बात जो अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कि सुशांत के पिता द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है और मुंबई पुलिस को सहयोग करना ही होगा। सभी दस्तावेज सौंपेगी मुंबई पुलिस। दूसरी बात, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई पुलिस को जो आदेश दिए गए हैं, लिहाजा उसे नजर में रखते हुए मुंबई पुलिस को सुशांत की डायरी जैसे केस से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के पास मुंबई पुलिस को सौंपना होगा। महाराष्ट्र सरकार नहीं डालेगी अड़ंगा। तीसरी बात, सभी इस बात से वाकिफ हैं कि ये मामला दिन गुजरते सियासी रूप लेता चला जा रहा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना था कि सीबीआई की केस में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे में बिहार पुलिस ने केस की कमान जब अपने हाथ में ली तो मुंबई पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया। इन तमाम बातों के मद्देनजर कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार को भी सहयोग करने के निर्देश मिले। राज्य सरकार नहीं अड़ा सकती टांग। चौथी बात, सुशांत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बात साफ हो गई है कि बिहार पुलिस को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा था वो सीबीआई को नहीं झेलना पड़ेगा। सीबीआई जब चाहे बिहार से लेकर मुंबई तक किसी से भी पूछताछ कर सकती है। एफआईआर और सीबीआई जांच को कोर्ट ने माना सही। पांचवी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज हुई एफआईआर को सही ठहराया है और मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश को भी सही बताया है। कोई और एफआईआर हो तो सीबीआई ही देखेगी। छठी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि अगर इस केस में कोई और एफआईआर दर्ज हो तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। टैलेंटेड थे सुशांत। सातवीं बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि चूंकि सुशांत एक टैलेंटेड एक्टर थे तो काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच समय की जरूरत है। जांच के लिए मुंबई जाएगी सीबीआई टीम। आठवीं बात, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। क्राइम सीन विजिट करने से लेकर सभी गवाहों के बयान और ऑटोप्सी रिपोर्ट पर गौर करेगी। रिया की अर्जी खारिज। नौवीं बात, बिहार में दर्ज हुई एफआईआर के बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में केस ट्रांसफर की अर्जी लगाते हुए जांच मुंबई पुलिस को सौंपने की बात कही थी, जिसे कोर्ट ने अब खारिज कर दिया है। फैसले से किसे लगा झटका। दसवीं और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार और तो और रिया चक्रवर्ती को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस शुरुआत से ही सीबीआई जांच के विरोध में थी। वहीं रिया बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करना चाहती थी।